सिद्धान्ति प्रभविष्णुमहात्मनि नामयं विष्णुं पादाय राधिकायै गुरुआत्मनि श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणगुरुनामिनि नामयं विष्णुं पादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैकिनामिनि अधीमत चरित्राय स्वास्थ्रितानं सपालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीहर्षभागिनी देवी दयिताय कृपात्वये कृष्णास्कमन्दविज्ञान दायिने ब्रह्मवे नमः माधुर्यजलप्रमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनधारिणे श्रीरूपानुगविरुधाव सिद्धान्तदन्तहारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिगुणदाय सचिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरवाविर्भावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेहि सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 गावनाळ सावा संसार दहने दग्ध जीव कुल उधर कारणे करुणा वारी कृपा वारी दानी बंदिते गुरु चरण कमल कृत गीत वाद त्रिहरि कीर्तने रहे नमगन पासु हरि गौर प्रेमे वंदिते गुरु शरण कमल सदरत जिने विग्रह सेवने सिंगराधिया मंदिर माजने हरे मनि दुष्ट अनुगत जने वंदिते गुरु शरण कमल सर्वदोषवेद प्रेर समये प्रसन्न कृष्णे अति स्वादो हरे भक्त स्वादने निज तृप्त रहे वंदिते गुरु शरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोक चितदिनी अन प्रतिसरणे वंदिते गुरु शरण कमल गज युग द्वंद रति संवर्धने जुक्ति करे सके तने वृंदावने अति लक्षताये
सियाता मांगने बजे गुरु चरणा समाला सर्वदा श्री गाए श्री हरि स्वरूप भक्त गण भावे तैया अनुरूप किंतु जी प्रभु प्रियता मारूप पंडित से गुरु चरणा कमला जाहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जाहर प्रसाद अन्य गति नाई गुरु गुरुदेवाष्ट अति जत्न करी ब्रह्म मूर्ति परि उच्च करी वृंदावन सत्सत श्री हरि सेवा पाए तेरी देखो अभी हम लोगों ने जो भजन गाई है ये गुरुवाष्टक है बीजो प्रभु का आसन बीजो प्रभु इसलिए कहते हैं गुरुवाष्टक है कहते हैं गुरुवाष्टक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते ये पहले तो उन्होंने संस्कृत श्लोक भी लिखे हैं लेकिन उसी संस्कृत श्लोक को अरे हमारे भक्ति विवेक श्रील भारती गोस्वामी महाराज एक हुए हैं ये प्रभुपाद का चरणाश्रित तो उन्होंने उसको उन्होंने ट्रांसलेशन करके उन्होंने बंगला भाषा में उसको बताया इसका मतलब है भैया गुरुदेव है कौन इस जगत में गुरुदेव क्यों आते हैं बोले गुरुदेव और कोई नहीं कि हम सब भगवान की संतान हैं लेकिन भगवान को भूलने की वजह से ये संसार में आकर के दुख कष्ट भोग कर रहे हैं कहते हमारी दुख को देख करके भगवान बड़े दुखी है क्योंकि बच्चे सुखी हो तो पिता माता सुखी होते हैं अगर बच्चे दुखी हो तो पिता माता भी दुखी होते हैं हमारे दुख को देख करके ठाकुर जी ने देखा इनके कल्याण कैसे हो तब भगवान की जो कृपा ही एक गुरु मूर्ति धारण करते हुए इस जगत में आए और हमको उद्धार करने के इसलिए बताए भैया गुरु जी का लक्षण क्या होनी चाहिए गुरु जी तो गुरु जी लेकिन गुरु जी का कुछ लक्षण तो होनी चाहिए ना तब इसी श्लोक में गुरु जी का क्या क्या लक्षण होनी चाहिए तब इसी इनकी इन्होंने सब उसने वर्णना किया है बोले गुरु जी का ये लक्षण है हर समय भगवान की नाम रूप गुण और लीला हर समय प्रभु की चिंतन प्रभु का कीर्तन प्रभु की भक्ति में जो डूबे रहते हैं ये गुरु का ये लक्षण है और स्वयं तो भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उनको पास में जो आते हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाते हैं खुद भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगते हैं लगाते हैं और इसलिए हर समय राधा रानी की सेवा में कृष्ण सेवा में ये नियुक्त रहते हैं हैं इसलिए ये गुरुवाष्टक में ये सब वर्णना की है कहते अगर इसको कोई सवेरे सवेरे कोई अगर ये गुरुवाष्टक पर गाएगा ना तो उसका फल क्या है बोले वृंदावन गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की जुगल की उनको सेवा की प्राप्ति होगी इसलिए नियम है रोज रोज सवेरे घर में जरूर ये भजन को गाया करें ये गुरुवाष्टक को गाया करें अभी जो हम भजन गाएंगे कहते ये भक्ति आया कहाँ से कहते अगर हमारे गुरु जी नहीं होते उनका गुरु जी नहीं होते उनका गुरु जी नहीं होते उनका गुरु जी नहीं होते फिर तो ये जो हम भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति नहीं कर पा रहे इसलिए हम सबके सब गुरु वर्गों को चरण हम रही है अभी हम जो भजन गाएंगे वो भजन वह है कैसे सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को कैसे सर्वप्रथम ये ज्ञान प्रदान की
ब्रह्मा जी उसी ज्ञान को नारद जी को दिए, नारद जी फिर व्यास को दिए, फिर व्यास श्री मध्वाचार्य को दिए, मध्वाचार्य श्री लक्ष्मीपति। कैसे भगवान से धीरे 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 ये गुरु परंपरा से ही ये ज्ञान अभी तक हमारे पास है। अगर हमारे गुरु वर्ग नहीं होते तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान हमें नहीं मिलता। इसलिए हम सबके सब गुरु वर्गों के चरणों में हम ऋणी हैं। इसलिए सवेरे सवेरे हम सबके सब ये भजन को भगवान से लेकर के अभी तक जो हमारी गुरु परंपरा आई है, हम सब का नाम को लेकर के हम प्रणाम करते हैं। आप सभी संतों हम लोगों पर कृपा करो, हम सबके ऊपर आशीर्वाद करो। आप जिस शुद्ध भक्ति धारा हमें दिए हैं, जैसे हम जीवन में इसको अपना सके, ठीक है। ये अभी जो भजन गाएंगे, लेकिन सब संतों का इसमें नाम है, आप लोग सुनते रहो। कृष्ण हरिते सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। बताओ तो कौन सा धाम? तीन धाम
बोलो कौन सा धाम? वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, नवदीप धाम, नवदीप धाम और श्री जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हो जगन्नाथपुरी? और नवदीप धाम कौन कौन गए? नवदीप कौन कौन गए? वृंदावन कौन कौन गए? वृंदावन सबके सब गए। इसलिए इस विशेष करके हमारी ये जो तीन धाम है, तीन धाम में हमारी संप्रदाय के जो बड़े बड़े जो संत हैं, ये तीन धामों में ये सारे संत लोग ये तीन धामों में विशेष करके भजन करते हैं। इसलिए अभी जो हम भजन गाएंगे सारे संतों का नाम तो ले लेकर के उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब तक संत लोग कृपा नहीं करेंगे ना, ठाकुर जी कहाँ बैठते हैं? बोले संतों के हृदय में बैठते हैं। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, भगवान की भजन नहीं हो सकता है। इसलिए जब जितने संत हुए हैं, अभी जितने संत हैं और आगे जितने संत होएंगे, वो सबको प्रणाम करते हैं। कहते हे संत लोग, आप लोग हम सबको पर आशीर्वाद करो। बोले क्यों? कहते हम अकेले भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, ये काम क्रोध माया बड़ा बलवान है, इसलिए संतों की कृपा नहीं होगी तो हम भजन साधन नहीं कर सकते। इसलिए सारे संत हम लोगों पर में सब आशीर्वाद करो, हम सबको पर में कृपा करो, जैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अभी ये तो बंगला भजन है, कोशिश करो समझने के लिए, ठीक है? बोले वृंदावन बता रहे हैं। बोले प्रभु हमने सुना है संतों को प्रणाम करते, बोले हमने सुना है, बोले संत लोग कौन है? बोले बिना
गुण देख करके ये कृपा करते, जितने पतितों को, जितने गिरे हुए व्यक्तियों को संत लोग उद्धार करने वाले, बोले जितने गिरे हुए में हम सबसे ज्यादा गिरे हुए, वो कह रहे हैं जितने गिरे हुए में सबसे ज्यादा कौन गिरे हुए हैं, कहते हम सबसे ज्यादा गिरे हुए व्यक्ति हम ही है। और हमने सुना है आप जो पतित व्यक्ति, जो गिरे हुए व्यक्ति को जल्दी जल्दी कृपा करते हो, इसलिए हमने देखा हमारी अंदर में तो कोई साधन भजन है ही नहीं जो कि आपकी साधन भजन करके हम पार हो सकते हैं, इसलिए हमने आपकी शरण में, संतों के शरण में इसलिए हमने शरणागति लिया है। आप गिरे हुए व्यक्तियों को सबसे पहले कृपा कर दो, और गिरे हुए में जो हम हैं ये सबसे गिरे हुए हम ही है, इसलिए प्रभु हमारे ऊपर में ये संत जन आप सब हमारे ऊपर में, सबके सब हमारे ऊपर में कृपा करो हैं। इसलिए कहते मने रे वासना पूर्ण अचिराती है, इसका मतलब है जब संतों की शरण में जाते हैं ना, जब संतों की कृपा हो जाती है जल्दी से जल्दी तुम्हें सब इच्छा पूरी तभी हो जाते हैं। इसलिए संत जन सब हमारे ऊपर में आशीर्वाद करो, कृपा करो, जैसे हम भगवान की भक्ति, ठाकुर की भक्ति हम कर सके। बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना ये है। अभी हमारे दिव्य प्रभु जी एक भजन गाएंगे हैं, इसको बाद में फिर हम सब कृष्ण कथा सुनेंगे। दिव्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य करो हमारे कृष्ण देखो अब अभी प्रभु जी जो भजन गा रहे ना, ये बड़े बड़े संतों का गाया हुआ भजन, अगर ये भजन को आप गाओगे आप सबको ऊपर में भगवान कृपा हो ही गाए, क्योंकि हमें पता नहीं ठाकुर जी के चरण में क्या कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए संतों ने हमें बताया हम भगवान के चरण में क्या प्रार्थना करनी चाहिए। अभी ये जो भजन गा रहे हैं इतने, ये तो बंगला भजन आपका समझ में नहीं आएगी, अगर कोशिश करोगे तो बड़बड़ी आएगी हैं। इसलिए वो भजन इतनी अच्छी भजन है, अगर ये भजन कोई गाएगा ना, ठाकुर जी की तुम्हारे ऊपर में कृपा होएगी, ठाकुर जी कृपा किए बगैर रह ही नहीं सकते, ये इतने बढ़िया भजन है। कहते ये भजन को कौन गा रहे हैं जानते हो? कहते ये नरोत्तम दास ठाकुर। बोलिए नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? बोलिए भगवान का प्रेम का अवतार है, भगवान प्रेम का ही अवतार है, हैं? इसलिए जीवों को ये प्रेम देने के लिए ही जगत में आए हैं। अभी ठाकुर का प्रेम हमें मिलेगा कैसे? कहते भजन गाने से जरूर मिलेगा, ये कितनी अच्छी भजन है, कोशिश करो थोड़ी सी समझने के लिए, ठीक है? हरे श्री चैतन्या हरे, हरि वे नया Thank you.
ठाकुर जी किसकी बात सुनते हैं? बोले जिसको अंदर में छह गुण आ जाए। कितना? जिसके अंदर में छह गुण आएगा ठाकुर उसका ही प्रार्थना सुनते हैं। बोले छह गुण क्या है? बोले दयना, आत्मनिवेदन, गोपित वरण, अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव गर्जना निकाल। जिसको अंदर में छह गुण आ जाएगी उसका ही प्रार्थना ठाकुर सुनते हैं। इसलिए ये भजन में गा रहे हैं, बोले छह गुण किसको अंदर? बोले संतों के अंदर, हमारे अंदर में तो छह गुण है ही नहीं। जो ठाकुर जी को जो प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे। लेकिन जब हम संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर संत जब हमारे हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे ना, ठाकुर जी ये जीव को ऊपर में आप कृपा करो, भगवान तब अपनी आप हमारे ऊपर में ठाकुर जी की अपनी आप ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि संतों का हृदय में ही ठाकुर जी वास करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना अगर वो हमारी प्रार्थना हमारी होकर कर ले, इसलिए हमें किसको खुश करनी चाहिए पहले? बोले संतों को, पहले गुरु जी को, संतों को प्रसन्न कर दो। वो अगर खुश होकर के हमारी होकर के प्रार्थना कर दे, ठाकुर जी ये दीनहीन व्यक्ति को कृपा कर दो, ठाकुर का कृपा हमारे ऊपर हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट ठाकुर का कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। देखो आज है, अब बता आज क्या है? जन्माष्टमी। आज भगवान का जन्मतिथि, जन्मतिथि का दिन ठाकुर जी बड़े खुश रहते। अब देखना किसका जिस दिन जन्म होना वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। आप उनको जो कुछ मांगोगे ठाकुर जी हमें आज वही दे देंगे। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे
उनकी सुंदर सुंदर भजन गाने के लिए। इसलिए एक उनका भजन है जिसका नाम कहते मधुराष्टकम। क्या नाम है? कहते वो मधुराष्टकम। ये अष्टकम श्री बल्लभाचार्य ने ये अष्टक लिखे। वो कहते हैं भगवान कौन है, इसलिए वेद कहता है रस बैस रसम जवाया लब्धानंद भवती। बोले भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। ठाकुर जी वो अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों का मूर्तिमान श्री भगवान कृष्ण। इसलिए ये उन्होंने जो भजन लिखे ये भजन में बताए भगवान, जैसे कहते रसगुल्ला। अब लोग खाए हो रसगुल्ले को? कौन कौन रसगुल्ले खाए हो? सबके सब खाए हो। बोले ये रसगुल्ला कब होता है? बोले जो गुल्ले को जब रस में डुबा दो ना, क्या हो जाएगा? रसगुल्ले। तब क्या भगवान ऐसे ही है? रसगुल्ले जब गुल्ले को रस में डुबा कर तो रसगुल्ला बनता है। क्या भगवान क्या ऐसे ही है? बोले नहीं, भगवान स्वयं ही ठाकुर जी ये रस स्वरूप है। भगवान स्वयं रस स्वरूप है। इसलिए ये भजन में बताए भगवान की हर चीज भगवान की मधुर है। जैसे रसगुल्ला की जिधर से खाओगे ना, जिधर से खाओ उधर से मिठाई मिठाई है। उसी तरह भगवान पूरे के पूरा ठाकुर जी मीठे मीठे से बने हुए। इसलिए उन्होंने कहा भूत भजन गाए जिसका नाम श्री मधुराष्टकम। मतलब भगवान का हर चीज ही मिठाई मिठाई। अब ये भजन को हम गाएंगे, कोई पुस्तक है तुम्हारे पास में? पुस्तकों तो पीछे पीछे सब सब देखते देखते आप सबके सब एक एक पुस्तक होगा ना, सबके सब सब पुस्तक दे दो। तो इसको भी ले लो, ले लो दिया। ये भी देखिए ले लो, सबके पास में ले लो सबके सब। दो चार भक्तों को बैठ बैठ करके हाँ बैठ बैठ करके देख देख करके सबके सब पीछे पीछे गाओ। की आप लोग पास में चार चार पांच मिनट भक्त बैठ जाओ, बैठ करके और ये भजन को देख देख के गाया करो। बोले अधरंग माधुर वातरंग माधुर नयनंग माधुर असितंग माधुर हृदयंग माधुर गमनंग माधुर माधुर करते रखिलंग माधुर वचनंग माधुर चरितंग माधुर वासनंग माधुर पलितंग माधुर चलितंग माधुर भ्रमितंग माधुर माधुर अधिपति रखिलंग माधुर प्रेमो माधुर प्रेमो माधुर पाणी माधुर पाद माधुर निजम माधुर साक्षम माधुर माधुर अधिपति रखिलंग माधुर गीतम माधुर गीतम माधुर भोक्तम माधुर भोक्तम माधुर रोहम माधुर तिलकम माधुर माधुर अधिपति रखिलंग माधुर कारणंग माधुर कारण
भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण कितने सुंदर है, इसलिए उसमें बताया सुंदर की असुंदर। बोले जो सुंदर में असुंदर क्या हो सकता है, और भगवान को बताया भूषण भूषणांग में। जैसे हम लोग अलंकार धारण करते हैं, भूषण धारण करते हैं, कपड़े पहनते हैं बड़े सुंदर सस्ते, क्रीम पाउडर और क्या क्या लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, क्यों, किस लिए, हम सुंदर दिखने के लिए। लेकिन भगवान जो अलंकार धारण करते हैं, क्यों, क्या भगवान को सुंदरता दिखाने के लिए? बोले नहीं, बोले कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं, जब कृष्ण को अलंकार धारण कराते हैं वो कृष्ण का सुंदरता नहीं बढ़ती है, बोले अलंकार की सुंदरता बढ़ जाती है। किसका सुंदरता बढ़ती है? अलंकार की। आप लोगों ने सूरदास का नाम सुने हो, कौन कौन सूरदास का नाम सुने, उनका भजन है ना, मैया मोरी मैंने माखन खाया, इनका भजन है, श्री सूरदास का भजन है। जब ये सूरदास जी गिरिराज गोवर्धन में, आप श्री हरिदेव को दर्शन किए हो, कौन कौन हरिदेव दर्शन किए, नियम है गिरिराज परिक्रमा लगाने के बाद श्री हरिदेव का दर्शन करनी चाहिए, नहीं तो परिक्रमा की पूरी फल नहीं मिलता है। जहां पर कृष्ण खड़े होकर गिरिराज उठाए थे, उनका जो पोज है ठीक वैसे ही है, कहते इनको रोज, कहते श्री विठलनाथ रोज इनको सुंदर ठाकुर जी को स्नान कराते, बड़े सुंदर इनको अलंकार पहनाया करते थे, और ये सूरदास अंधे है, लेकिन इनको ठाकुर को जैसे वो सुंदर श्रृंगार करते थे ना, सूरदास जी एकदम एजेटी पूरा ऐसे वर्णना कर देते। एक दिन श्री विठलनाथ जी ने देखा, कभी सचमुच से क्या अंधे ना अंधे का बहाना बना दे, क्योंकि हम जैसे जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं वो ठीक वैसे वर्णना कैसे करते हैं, अगर अंधे हो तो उनको दिखता है कैसे, क्योंकि कहते ना प्रेमांजन चरित भक्ति विवर्जन, कहते उन्होंने प्रेम रूपी अंजन लगा करके रखे है अपना दिव्य हृदय दर्शन करते हुए वर्णना करते। एक दिन इनको परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को अभिषेक किया, स्नान कराए, और उन्होंने ठाकुर के गले में एक मोती की माला डाल दिए और स्क्रीन को इसे बंद कर दिया। बोले बाबा बताओ आज ठाकुर को कोई कपड़ा नहीं पड़ाया, ठाकुर को पूरा नंगे रख दिए, ठाकुर जी को पूरा नंगे रख दिए। बोले बाबा बताओ आज ठाकुर का कितना सुंदर श्रृंगार किया बताओ, बस सूरदास तो दिव्य कहते रहे, बोले आज देखो हरि नंगो नंगे, आज तो ठाकुर पूरा नंगे ही नंगे है ठाकुर जी, लेकिन गले में तो एक मोती की माला डाले, लेकिन ठाकुर तो नंगे ही नंगे है, लेकिन बोले सुंदरता का उठत तरंग
लेकिन नंगम नंगे होने पर भी ठाकुर जी आज इतने सुंदर, ठाकुर जी इतने सुंदर है, बोले उनकी शरीर से तो सुंदर के तरंग हैं, तरंग इनके शरीर से उठ रहा है, इतने ठाकुर जी सुंदर हैं। इसलिए कभी लोगों ने उदाहरण दिया, जो मेघ है ना वो पहले नीचे रहता था, लेकिन ये मेघ ऊपर क्यों चला गया? बोले इसलिए जब भगवान कृष्ण जन्म हुए, भगवान कैसे है, भगवान भगवान रंग कैसे है, भगवान श्याम रहते हैं। इसलिए जब भगवान इसी जगत में प्रकट हुए, तब मेघ ने देखा जगत में मेरे को कोई पूछेगा क्यों, कृष्ण इतने सुंदर, हर कृष्ण इतने सुंदर है ठाकुर जी, मेरे को कौन पूछेगा, इसलिए मेघ ऊपर चला गया। बोले पहले शेर मेन रोड में घूमते थे, लेकिन भगवान कृष्ण जब आए, उनकी जो कमर है छाती शेर जैसे है, भगवान की कमर भगवान की बड़ी पतली और छाती बड़ी चौड़ी है, शेर जब देखा भगवान की सुंदरता को वो जंगल में चला गया। बोले और जगह मेरे कोई पूछेगा नहीं। बोले जो सर्प पहले मेन रोड में घूमते थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण आए ना, सबसे बीच में घुस गए, क्योंकि बोले भुज दंड गृहित कंठा, भगवान की जो भुज है हाथ है, उन्होंने उदाहरण दिया सर्प जैसे है। जब भगवान कृष्ण आए, इतने सुंदर भगवान के हाथ, उसको देख करके ना सर्प से बिल में घुस गए, इतने भगवान कृष्ण सुंदर है। अब इसी भजन में बड़े सुंदर रूप में कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनका शरीर कैसे, त्रिभुवन ललित कैसे, कैसे भगवान मिट्टी बंसी बजाते हैं, भगवान कैसे अद्भुत रूप, इसी भजन में कृष्ण की सुंदरता को वर्णना करते हैं। और ये भजन को आप लोग पास पास में बैठ करके फिर पीछे पीछे गाओ, बोले नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, बोला नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, सुचारु भक्रमंडलम, सुकर्ण रत्न कोटलम, सुचारुचितांग चंदनम, नमामि नंदनंदनम, सुदीर्घ नेत्र पंकजम, सुकीर्ति खंड मूर्धजम, अनंग कोटि भुवनम, नमामि नंदनंदनम, सुनाशिकाग्र मौक्षिकम, पतंग दंत पंकजम, नमाकुलांग श्रीकरणम, नमामि नंदनंदनम, करेण देव वंदितम, कटीक इंद्र वंदितम, सुकुल कीर्त शोभनम, नमामि नंदनंदनम, देह सुंदरम, सुधाकरम, अमूल्य रत्न भूषणम, नमामि नंदनंदनम, सुगंध अंग सौरभम, पुलाविराजि कौस्तुभम, सुधर्ति वत्सलांकनम, नमामि नंदनंदनम, वृषाभनाम सुनायरम, विलासनोऽव्यवासितम्, सुरेन्द्र गर्व मोचनम्, नमामि नंदनंदनम्, प्रजाञ्जनासुनायकम्, प्रदातुकप्रदायकम्, जगन्मनो प्रलोभनम्, नमामि नंदनंदनम्, त्रिकंदनंदनार्चकम्, पटेजसदयानितम्, तरेत्वराभिभूतलम्, लभेत्तदाग्रिभुर्मदम्, नमामि नंदनंदनम्, नमामि नंदनंदनम्, नमामि नंदनंदनम्, नमामि नंदनंदनम्। देखो गुरुदेव कहते थे जैसे कृष्ण नाम हम सबको अच्छा लगता है, लगता है नहीं, इसलिए रूप गोस्वामी कहते ना कृष्ण नाम में इतने मीठा कृष्ण नाम है, ये दो अक्षर जो कृष्ण
भगवान इसमें इतने रस भर दिए, इसलिए रूप गोस्वामी कहते जब ये ना बोले तुंडे तांडव विदनुते तुंडा बलि लब्धे, जब ये कृष्ण नाम जीवा में उदय होता है, जीवा ऐसे थिरकने लग जाती, नाचने लग जाती, ब्रह्मा को निंदा करते ही बोले एक जीवा क्यों दे दिया, अरब खरब जीवा क्यों नहीं दी। जब कानों में प्रवेश करता है कृष्ण नाम इतने मधुर इतने मीठा, बोले करना करो कड़मिनी, बोले करो करो कान क्यों नहीं दे दिया। बोले जब हृदय में प्रवेश करता है सारी इंद्रियों को स्तब्धीभूत कर देता है, मान रस की धारा बहने लग जाती, इतने कृष्ण नाम इतने सुंदर है। इसलिए गुरु जी कहते थे कृष्ण नाम हम सबको अच्छी लगती है। आप बता सकते हो कृष्ण नाम जगत में सबसे ज्यादा किसको अच्छी लगता है? इसलिए गुरुदेव कहते थे यद्यपि कृष्ण नाम सबको अच्छी लगती है लेकिन सबसे बढ़िया लगती है राधा है। और ये बताओ राधा जी का नाम सबको बढ़िया लगता है, इसलिए वृंदावन में जाओ सब में सब किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो सबसे राधा जी का नाम लेते हैं, सब राधा नाम का सबका प्यारा, लेकिन सबसे ज्यादा किसको बढ़िया लगता है? कृष्ण को। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं ना इसको राधा रानी सुनकर बड़ी खुश होती है, लेकिन राधा रानी किसका नाम सुनकर खुश होते हैं? कृष्ण नाम सुनकर राधा रानी खुश होती है। और कृष्ण को सबसे ज्यादा खुश होता है कितने? राधा जी का नाम से। और राधा जी का नाम सबसे प्यारा किसको लगता है? कृष्ण को। इसलिए गुरु जी कहते थे आज भगवान कृष्ण जन्म हुए तो इनको सबसे कौन सा नाम प्यारा लगता है? राधा जी का नाम। इसलिए गुरुदेव कहते थे हमको श्री कृष्ण का भी कीर्तन करनी चाहिए और उसको साथ साथ में श्री राधा रानी को भी कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए हम एक स्तुति को पढ़ते हैं जिसका नाम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है। अगर ये स्तोत्र को कोई राधा कुंड में खड़े होकर के कहते घुटन तक पानी में, कमर तक पानी हो, छाती तक पानी हो, खड़े होकर 108 बार अगर कोई पढ़ेगा ना कहते राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर के राधा रानी साक्षात दर्शन देती। इतने शक्ति ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में, इतने शक्ति साक्षात राधा कृष्ण का जुगल भी दर्शन होता है। इसलिए अभी हम लोग राधा रानी की स्तोत्र को पढ़ते हैं, भले एक साथ में सबके सब गा पुस्तक देख लो पास पास में, रोज घर पे बैठ बैठ के गा। भले मनेन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक सुख हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज गोविलासिनी, ब्रजेन्द्र वायु नंदिनी, ब्रजेन्द्र सुनु सकृते सदा करि सति रमा कृपा करना
मधुर मदा दियो बने प्रमोद मान मंत्रिते प्रिया अनुराग रखिते कला विलास मंत्रिते नकंद कुंदराज कामते गोविते कला करी सती कृपा कटाक्ष भाजनम क्या है ब्रह्म स्तुति? वह है जैसे कृष्णा गोवत सहने किए। पहले कृष्ण ब्रह्मा क्या समझते थे? ये तो कृष्णा कोई गैया चराने वाले कोई बालक है, क्योंकि उनको झूठन फूटने को भी पता नहीं। सारे सखाओं को झूठा ही था रहा। जब कृष्ण के बछड़े और सखाओं को चोरी की, फिर जब ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी अपना बछड़े सखा स्वयं बन करके स्वयं स्वयं को साथ में लीला करने लगे। जब ब्रह्मा जी उनको छुपा करके ब्रह्मा लोक में पहुंचे और ब्रह्मा वहां पहुंचने से पहले कृष्णा स्वयं ब्रह्मा बनकर पहुंच गए ब्रह्मा लोक में। और ब्रह्मा जी की आसन को गद्दी को उन्होंने दखल कर लिया और बोल दिया चौकीदारों को, बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को मैं घूमते हुए देखा, अगर मेरे जैसे कोई आए तो घुसने नहीं देना। जब ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोक में पहुंचे, उनका जो दरबार थे ना, उनका जो नौकर थे, डंडा लेकर के मरा ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। बोले तू कहां से आ गया? हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, भैया
फिर कौन यहाँ पर कौन बैठ गया? ध्यान लगा करके देखा, स्वयं मेरे जो प्रभु है ना, ये ब्रह्मा बनकर बैठ गए। फिर ब्रह्मा ब्रह्म लोग से उतरे गए, और उतरते तो उतरते मरते जगत में हो गया एक साल। कृष्ण एक साल पहले जैसे ग्वाल बालों के साथ में प्रभु लीला कर रहे थे, ब्रह्मा जी देखा अभी भी लीला कर रहे, फिर तो ब्रह्मा फिर चक्कर में पड़ गए। अरे भैया ये कौन है सबके सब है, ये कौन है सबके सब? फिर देखा से आज मैंने जिनको छुपाया था ब्रह्मा ले आए, फिर वहां पर देखा नहीं वो तो वैसे है। फिर इधर दो सर उधर दो सर, जब दोनों तरफ पे देखा भगवान दिखाया, देखो ये जितने बछड़े सखा और कोई नहीं, मैं ही स्वयं ये बछड़ा सखा में स्वयं बना हुआ। ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण कौन है, बोले मेरे जो बाप है ना, मेरे जो पिताजी, कहते मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी का जो पिताजी है कौन है, कहते ये श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। तो ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। देखो कभी कभी विशेष करके जो हमारी हिंदू लोग है ना, हमारी धर्म में बहुत सारे देवता शंकर है, दुर्गा है, गणेश जय हनुमान जी और इंद्र चंद्र बहुत सारे देवता है, हैं? कभी कभी ना हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं किसको पूजा करें और किसको पूजा नहीं कर, भ्रमित हो जाते हैं। अगर श्री गणेश जी की पूजा नहीं कर, बोले भगवान सबसे पहले तो सिद्धिदाता गणेश है, अगर गणेश बाबा अगर नाराज हो गए पता नहीं क्या हो जाएगा संसार में। अगर हमें शंकर जी को पानी नहीं चढ़ाया, बोले भैया अगर भोले बाबा अगर नाराज हो जाए पता नहीं घर में सब अमंगल होना शुरू हो जाएगा। अगर श्री हनुमान जी को अगर पूजा नहीं करेंगे हैं, अगर हनुमान जी अगर नाराज हो गए फिर क्या होगा। कभी कभी हम लोग है ना इसी विषय पर कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए देखना हमारे हिंदू जितने भक्त जो हिंदू जितने हैं ना उनको घर में ऑल इंडिया भगवान, ऑल इंडिया भगवान, इसमें सारे भगवान देखोगे, हाँ 33 करोड़ देवा देवियों को वहां पर देखोगे। इसलिए हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं किसको छोड़े और किसको पूजा करें। लेकिन पितामह ब्रह्मा कहते पितामह ब्रह्मा कौन है, पितामह ब्रह्मा कौन है, पितामह ब्रह्मा ही जगत को जो सृष्टि करने वाले ये पितामह ब्रह्मा। तो ये पितामह ब्रह्मा कृष्ण है कौन, हैं कृष्ण कौन है, उन्होंने इस विषय पर माँ देवी कौन, कभी ये गणेश जी कौन है, कभी ये शंकर जी कौन है, कभी ये सब कौन है, उन्होंने सुंदर उन्होंने स्तुति किया है। जैसे गणेश जी को हम सिद्धि दाता मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ये इनको ये सिद्धि आई कहाँ से, बोले जत पाद पल्लव जुगम विधाय कुंभे हैं प्रणाम समय से गणा दिरा जब, कहते मूल सिद्धिदाता कौन है, बोले भगवान नरसिंह देव। एक समय भगवान नरसिंह देव ने क्या किया, अपना दोनों चरणों को उन्होंने श्री गणेश जी के सर के ऊपर रख दिए। जब गणेश जी के सर के ऊपर रखे मूल सिद्धिदाता कौन, श्री नरसिंह देव, कहते उन्हीं से थोड़ी सी सिद्धि ना वो आगे किस पर दर में, श्री गणेश जी का दर में। इसलिए जगत में सबसे पहले ये गणेश जी की सबसे पहले पूजा होता है। लेकिन मूल सिद्धिदाता कौन है, बोले भगवान कृष्ण स्वयं। इसलिए गोविंदं मादि पुरुषं समहं भजामि, इसलिए इसमें ब्रह्म स्तुति है। हम लोग कोशिश करेंगे तो 2-4 श्लोक इसकी गाने के लिए। कहाँ गया ब्रह्म स्तुति 192। इसलिए हम 2-4 श्लोक इससे पढ़ते हैं, आपके पास में है देख लो 192 पेज में, इसमें खोल करके देखो। बोले चिंता मणि प्रकर सर्प मसुकल्प वृक्ष लक्षावृत सुरभि रविपाल यन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत सम ब्रह्म से प्रमाण गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि पेनो कोणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसिता बुद्ध सुंदरम।
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादि पुरुषं तमः भजामि। आल्लोड चंद्र कलश पन्नमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणवेलिकला विलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियात प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमः भजामि। अंगालीयस्य सकलेन्द्रियप्रीतिमन्ती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति स्थिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहश्च गोविन्दमादिपुरुषं तमः भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् माध्यम पुराण पुरुषम नवजौवनं च वेदयु दुर्लभम दुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतव सरसं प्रजम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् स्वस्यास्ति चत् प्रसिदन्ति विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं जत्सक्तिरस्ति जगदण्डचया जलन्त अण्डान्तरस्तपरमाणुचया स्तरस्तम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभाविकधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनजानुभूषा सुप्तैर्जमेव निगमा प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरस प्रतिभाविताभि सावेरि एव निजरूप तया कलाभि गोलमेव निवसत्यखिलमात्मभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनसुरितभक्ति विलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम् श्यामसुन्दरमचिन्तं गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठ नानावतारमकरोतु भुवने सुकिन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। देखो ये जो स्तुति है, देखो ये श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। कभी कभी हमारे भारत में जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम लेकिन कुछ कुछ लोग आप देखे ना, पहले हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई कोई व्यक्ति हरे राम से शुरू करते हैं, बोले क्यों, बोले जो राम है वो तृतीया युग में आए और कृष्ण ये द्वापर युग में आए, इसलिए राम तृतीया युग में आए, इसलिए बड़े कौन हुए कहते बड़े इसलिए राम हुए हैं। इसलिए पहले भगवान राम तृतीया युग में कृष्ण बाद में आए, इसलिए पहले हरे राम से करनी चाहिए। कुछ लोगों का धारणा ऐसे ही धारणा है, लेकिन यहाँ पितामह ब्रह्मा ये बात को स्वयं खुद कह रहे हैं। जैसे भागवत में है, भागवत में एक श्लोक है, जिस श्लोक में श्री सुत गोस्वामी कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में स्थापन करते हैं। पहले जब उन्होंने 24 अवतारों को वर्णना कर रहे थे, उन्होंने ये बता दिया जो कृष्ण है
ये एक अवतार, 24 अवतार में उन्होंने कृष्ण को भी अवतार बता दी, लेकिन बोल करके ना सुतो गोस्वामी पे डर गए, बोले मैंने तो गड़बड़ कर दिया, बोले क्यों, बोले कृष्ण को मैंने बता दिया अवतार है, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, बोले कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण अवतारी, बोले अवतारी का मतलब क्या होता है, बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, इसलिए फिर उन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक उन्होंने बनाया, बताओ तो वो श्लोक क्या है, जोर से बोलो, इसको याद है, बोलो, बोलो क्या श्लोक है, कृष्णस्तु भगवान है, इसलिए कहते ये श्लोक फिर उन्होंने भगवान के लिए अलग श्लोक बनाए, बोले इत्य चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोक मृणयति जुगे जुगे, इस लोगों को कोशिश करना इस श्लोक को भी याद करने के लिए, क्योंकि भागवत में जो श्लोक है ना कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, ये श्लोक कृष्ण को प्रतिपादन करता है, बोले देखो ये सौनक आदि ऋषियों ने मैंने अभी तक जितने अवतार का नाम लिया ये कौन है, बोले ये कृष्ण का कोई अंश और अंश का अंश कोई कला है, लेकिन जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म, ये कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान, बोले भैया स्वयं का मतलब क्या होता है, बोले स्वयं का मतलब होता है अनन्य पेखम जग रूपम स्वयं रूपम सउच्यते, स्वयं रूप उनको कहते हैं जो किसी दूसरे से मदद लिए बगैर जो परिपूर्ण है, इसलिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया, जैसे संख्या एक, अब देना जो एक संख्या वो किसी संख्या का मदद नहीं लेता है, लेकिन जब दो बोलो देना एक एक मिलकर के दो होता है, जब तीन बोलो दो एक मिलकर तीन ही होता है, लेकिन जब एक बोलो ना वो किसका मदद ये नहीं लेता है, इसलिए जैसे उसी तरह जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान, ये पूर्ण ब्रह्म कौन है, तो भगवान कृष्ण, इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में कहते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, बोले ये कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म सनातनी भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म, इसलिए इस श्लोक में कहते हैं रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरेश भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समभवे परम भूमान जो गोविंदं मादि पुरुषं तमाम भजामि, कहते ये कृष्ण कौन है, बोले रामादि मूर्ति सु जितने अवतार मत्स्य कुर्म वराह विष्णु, बोले ये किसने धारण की, बोले भगवान कृष्ण राम आदि मूर्ति रूप में कला की कला रूप में भगवान कृष्ण ही विद्यमान है, लेकिन ये कृष्ण कौन है, यदि ये कृष्ण गोविंद आदि पुरुषम, कि जो गोविंद है यदि ये आदि पुरुष श्री गोविंद, इसलिए ब्रह्म स्तुति का जो पहला श्लोक है उसमें बताया ना क्या बताया उसमें, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कहते भगवान कृष्ण कदि अनादि के आदि, अनादि कौन है, जैसे कर्मदशाई विष्णु कहते उनके आदि कौन है, बोले श्री बलदेव प्रभु, कहते बलदेव प्रभु का आदि कौन है, बोले श्री कृष्ण चंद्र, सबका मूल का जो मूल है कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र, सबका मूल का मूल श्री कृष्ण चंद्र, इसलिए यहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी यहाँ पर कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में स्थापन करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या, बोले गोविंद आदि पुरुषम, इनका नाम गोविंद, बोले गोविंद का मतलब क्या होता है, बोले गो मतलब होता है इंद्रिया, गो मतलब होता है वेद, गो मतलब होता है पृथ्वी, गो मतलब होता है गोपी, गो मतलब होता है गैया, गो मतलब होता है इंद्रियां, विद्यति मतलब ये सबको जो आनंद प्रदान करते हैं, यदि ये कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र,
बोले गोविंद माति गुरुसाम तमहम भजामि। इसलिए ब्रह्मा जी ये स्तुतियों में सारे देवादेवी कौन है, कृष्ण कौन है, इनको ये ब्रह्म स्तुति में बड़े सुंदर रूप में स्थापन करते हैं। इसलिए रोज रोज ये ब्रह्म स्तुति हमें पढ़नी चाहिए। ये ब्रह्म स्तुति को क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा किए थे, इन्होंने ये ग्रंथों को दक्षिण से, ये ग्रंथ को महाप्रभु स्वयं उधर से ये ग्रंथ को लेकर के आए थे। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी राधारानी का कृष्ण राधारानी का एक भजन गाते हैं, कुछ बोल सकते हो कृष्ण को तो बोलो, क्या क्या सीख मिला रहे तो बोल सकते हो, पढ़ लीजिए कृष्ण तो बोलो, तुम्हारी कुछ याद है, कुछ याद है, हाँ हमारे क्या नाम है, रोहिण रोहिणी अनुपम कहाँ गया, अनुभव जी प्रभु सब कहाँ है, सब कहाँ गए थे, पढ़ी लो ऊपर में क्या कर रहे, कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे, कृष्णदेव Thank you.
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्रय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे को पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शब्द श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणानंद में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग विनम्र प्रणाम। आज एक बहुत बड़ी तिथि, आज के दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म ऐसे जैसे भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है, उसको कोई भी समझना बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है, इतना कठिन है उसको समझना कि कोई अगर शास्त्र रूपी चक्षु को अगर अपने शास्त्र रूपी जो चश्मा है अगर उसको लगा करके देखेगा उसी को ये बात समझना है। भगवान जन्म एक साधारण मनुष्य की तरह यशोदा मैया के गर्भ से भगवान जन्म लेते। आज ही के दिन रोहिणी नक्षत्र में लगभग रात के 12 बजे के आसपास भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। कई सालों के बाद आज वही तिथि है, लेकिन विशेष आज इस साल जो जन्माष्टमी की जो तिथि है उसमें विशेष यह है कि इस बार रात में ठीक 11:56 वही रोहिणी नक्षत्र लग रहा है, 11:56 पे जिसमें भगवान ने वास्तव में जब जन्म लिया था जब जन्माष्टमी वही तिथि वही रोहिणी नक्षत्र 12 बजे के आसपास इस बार पड़ेगा। इसलिए हमारा बड़ा ही सौभाग्य का दिन है आज कि हम बैठ करके भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कथा कीर्तन गुरु जी के सानिध्य में कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि भगवान के तो कई अवतार है समय पर जैसे भगवान ने गीता में बोला परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्पिताम धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे। जब जब युग में धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रचार हो, जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि हो जाती है तब तक भगवान आवश्यकता के अनुसार अवतार लेते हैं। जैसे कि जब जल प्रलय हुई उस समय पर भगवान ने मीन अवतार लिया और वेदों की रक्षा की। मीन अवतार सुना मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ समुद्र मंथन में भगवान ने अच्छा अवतार लिया, कछुए का रूप लिया और उस पर्वत गंगाचल पर्वत को अपने ऊपर धारण करके समुद्र मंथन की पूर्ति करवाई ना, कच्छा रूप धारण किया। जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए शूकर रूप लिया, वराह रूप लिया, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, राजा बलि का राज्य छीनने के लिए रावण अवतार लिया, कभी परशुराम को शक्तावेश अवतार, कभी वही कृष्ण जो है राम रूप में आते। लेकिन ये आता है इसमें इतना कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि वास्तव रूप में भगवान कौन है। साधारण जो जगत जैसे टीवी में सीरियलों में दिखाते कि विष्णु अवतार लेते हैं, विष्णु अवतार लेकर के आते हैं वही मीन बनते, विष्णु अवतार नरसिंह बनते, विष्णु ही जो है वही सारे के सारे रूप लेते हैं, मीन का रूप लेते हैं, कच्छप का रूप लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो जैसे प्रचलित है जगत में कि विष्णु ही कृष्ण अवतार ले, ये सबसे बड़ी कमी है कि विष्णु ही कृष्ण अवतार ले। इस चीज को हमें कम से कम क्लियर कर देना चाहिए हमारे इस जीवन में। अगर हमने ये चीज क्लियर कर ली कि भगवान कौन है,
भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान कौन है, तो समझो हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ति हो सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया कि कृष्ण जो है वो अवतारी है, वो अवतार नहीं वो अवतारी है, जिनसे सारे के सारे अवतार आते हैं, जिनसे सब है, जिनके ऊपर कोई नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता जो ब्रह्म स्तुति उसमें सबसे पहले श्लोक में बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस श्लोक का अर्थ क्या है, बोला ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर ईश्वर बहुत सारे ईश्वर, जैसे हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा का जो एमएलए होगा वो इस पूरे एरिया का राजा है, जो एमएलए है वो राजा, वो भी एक प्रकार का ईश्वर है, लेकिन उसके ऊपर भी एक ईश्वर। कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ, उससे बड़ा ईश्वर, क्योंकि वो पूरे स्टेट का मालिक है, सच बात है ना ये, लेकिन योगी से बड़ा भी एक ईश्वर। कौन? नरेंद्र मोदी, क्यों? पूरे देश का वो ईश्वर है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का राजा होता है, मतलब वो हम सब का एक प्रकार से ईश्वर राजा है। उसके ऊपर भी जो देवता आदि है वो उसके ऊपर, उसके ऊपर भी ये जो जन्म हो तप लोग ऐसे करके ये सारे लोग है, उनमें भांति भांति के हमसे ऊपर ऊपर है, लेकिन ऐसे बताया ये जितने भी ईश्वर हैं ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ईश्वर ईश्वर ईश्वर, लेकिन बोले ईश्वर परम कृष्ण, बोले जितने भी प्रकार के ईश्वर हैं, जैसे बताया इंद्र आदि राजा महाराजा जितने भी हैं, इन सब का ईश्वर, सभी देवताओं का ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर परम कृष्ण, सबसे परम कौन है? उनका फिर रूप बताया, क्या बताया? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद से बना हुआ उनका स्वरूप है, और एक विशेष इसमें दिया अनादिरादि गोविंद, वो सबका आदि है लेकिन उनका आदि कोई नहीं, सर्व कारण कारणम, जितने भी कारण इस दुनिया में हम देख रहे हैं वो सबके पीछे कारण कौन है? कृष्ण। देखो हमारे गुरुदेव, हमारे सभी गुरुदेव एक बात बताए, अगर किसी व्यक्ति से पूछना हो कि आपके पिताजी कौन है तो सबसे सटीक उत्तर कौन दे सकता है? अगर किसी से पूछा जाए कि भैया आपके पिताजी कौन है या फिर आपका बाप कौन है, ये सबसे सटीक उत्तर कौन दे सकता है? माता, माँ दे सकती है। सही सही बात किसको पता है? माँ को पता है। ठीक इसी प्रकार ये समस्त जगत का कर्ता, जगत को बनाने वाले कौन है? आदि गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई ना, तो हम पूरी सृष्टि की वास्तविक माँ कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं कि भैया तुम्हारे तुम्हारा बाप कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण लीला में आकर के और जो ब्रह्म विमोहन लीला है उसके माध्यम से आदि गुरु ब्रह्मा सभी जगत का उद्धार करने के लिए एक बार बताते, बोला बच्चों ये पूरी जो सृष्टि है इसका मालिक कृष्ण है, कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं, कंफ्यूजन में मत रहो कि विष्णु अवतार लेते हैं, यहाँ तक कि विष्णु भी कृष्ण से ही आते हैं, कृष्ण से बलदेव प्रभु हाँ, और बलदेव प्रभु से फिर अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षक आदि, फिर उसके बाद में भक्ति जितने भी, तो उसके बाद में ये जो आगे 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 महासंकर्षण से गाढ़ो दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु, अंतर दक्षाय विष्णु, ये सभी का जो मूल है वो कृष्ण है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया कि कृष्ण की ही इच्छा से ये सारी जगत का पालन सृष्टि पालन और संहार हो रहा है। इसलिए कीर्तन के अंदर भक्ति का बड़े ही सुंदर कीर्तन लिखा, उसके अंदर क्लियर कर रहे संत दयालु होते हैं ना, इसलिए बताते हैं संत इतने दयालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि भैया किसी को इतना सा भी कष्ट ना हो, इसने सब चीज शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ के बड़े ही सुंदर सुंदर कीर्तनों में फिर होते, बड़े बड़े शास्त्र सिद्धांत की बात जिसको समझना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, उसको ऐसे दे दिया जैसे कि एक दो रुपए की चीज। क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, कहते हैं तुम ही सर्व ईश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुमार इच्छाय विश्व सृजन संहार, तब इच्छा माते ब्रह्मा करेण सृजन, तब इच्छा माते विष्णु करेण पालन, तब
भवे क्षमते शिव करना संहार तव क्षमते माया सृजे कारागार। इसमें बता रहे कि तुम ही सर्व ईश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तो जैसे ब्रह्मा जी ने बोला ना सभी ईश्वरों के ईश्वर कौन है, इसी प्रकार हमारे भक्ति और ठाकुर जी भी कह रहे हैं तुम ही सर्व ईश्वर ईश्वर, कि आप भी सभी ईश्वरों के ईश्वर है ब्रजेंद्र कुमार। कौन? ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र कुमार मतलब कौन? जो ब्रज के जो राजा है नंद बाबा, उनका जो बड़ा ही सुंदर सुकुमार है, इसको बोलते हैं जय जय सुंदर नंद कुमार। बड़ा ही सुंदर जो ये ब्रज कुमार है, ये सबका ईश्वर है। ये दिखने में छोटा सा बालक लेकिन ये सबका ईश्वर है। इन्हीं की ही इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि को सृजन कर रहे हैं, इनकी ही इच्छा से विष्णु इसका पालन कर रहे हैं। इसलिए विष्णु का एक नाम क्या है? नारायण। क्या नाम है? नारायण। नारायण मतलब नर धन आयन। नर का जो आश्रय है, नर का जो पालन करने वाला है वो कौन है? नारायण। इसलिए विष्णु आपकी ही इच्छा से विष्णु इस जगत का पालन कर रहे और आपकी इच्छा से शिव इस जगत का संहार कर देते हैं। और एक एक विशेष बात बताएं, बोला तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। आपकी ही इच्छा से ये जो माया देवी है ये कारागार बनाती है। जिस कारागार में हम बैठे हैं ना, ये जगत ये संसार, ये किसकी इच्छा से बनाए? भगवान की इच्छा से। किसने बनाया? माया देवी ने। इसलिए गीता ने बोला तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। इसको कारागार क्यों बोला? इसको जेल बोला। इसको बताया कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये दुर्ग की तरह। दुर्ग मतलब जैसे कि कोई किला, अभेद किला, जिसको भेदना बड़ा ही कठिन। और इस दुर्ग की पालन करने वाली, इस दुर्ग को निरीक्षण करने वाली कौन है? माता दुर्गा। दुर्गा देखे ना कैसा स्वरूप बताया, हाथ में त्रिशूल तलवार, देखा ये पूरे जगत का नियंत्रण करने वाली और सब पे कंट्रोल रखने वाली माया देवी भगवान की इच्छा से इस जगत का सृजन करती है, ये संसार को बनाती है। लेकिन क्यों बनाती है? हमें जेल में क्यों डालो? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये जो संसार है ये जेल है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये जेल है? अभी कोई नहीं मानता। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप में से बताओ कि आप में से कितने लोगों को किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का दुख है? हाथ उठा करके बताओ। कोई भी दुख हो सकता है, ये जो तेज बारिश आना, बहुत तेज गर्मी और पसीने पसीने गर्मी हो जाना, ये भी एक प्रकार का दुख है? दुखी है। इसी हमारे बताया तीन प्रकार के दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक के अंदर बताया जो देवताओं के द्वारा हमें दुख प्रदान किया जाना, जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, जैसे वो अभी उड़ीसा में बिहार में सब जगह बाढ़ भयंकर बाढ़, लोग इतने परेशान है हमें बैठा समझ भी नहीं सकते, लेकिन वो लोग बड़े परेशान। इसको कहते हैं आदि दैविकता। एक बोलते हैं आदि भौतिक, जो दूसरे जीव हमको सताते, हम नहीं चाहते मच्छर काटे लेकिन मच्छर काटता है कि नहीं? मच्छर काटता है। अभी तो डेंगू मलेरिया भी चल रहा है, ये उसको बोलते हैं आदि भौतिकता। कुत्ता काट लेता है, मटके मटके बाद मुझे भी कुत्ते में काट लिया, इसको बोलते हैं आदि भौतिकता। एक होता है आदि आध्यात्मिकता। आदि आध्यात्मिकता मतलब होता है डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन, जो बीमारियां चल रही है आजकल, डॉक्टरों के पास जाओ आजकल भीड़ जो है मेंटलिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास बढ़ती चली जा रही है, इसको बोलते हैं आदि आध्यात्मिकता। ये इन सारा जगत में जितने भी लोग हैं वो सब इस चीजों को भोग करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से माया देवी ने इसका सृजन किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्ण विमुख हो। इसने चैतन्य चरितार्थ बताया, क्या बताया? कृष्ण भय को अत्यंत माया तारे थे संसार। बोला हम कृष्ण बहिर्मुख हो गए। कृष्ण बहिर्मुख मतलब कृष्ण की ओर हमारा ध्यान हट गया और हम लोग भोग की ओर बढ़े। इसी कारण से माया देवी ने पकड़ करके हमको इस जेल में डाल दिया, इस जेल में डाल दिया। इसलिए हमारे शास्त्र में चरित्र चैतन्य ने बताया कृष्ण बहिर्मुख हो जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। उसके बाद में कबू राजा कबू प्रजा कबू विप्र शूद्र, फिर माया झपट लेती है और झपटने के बाद में कभी राजा बनाएगी, कभी प्रजा बनाएगी, कभी शूद्र बनाएगी, कभी विप्र बनाएगी, कभी स्वर्ग में डालेगी, कभी
कभी नरक में डालेगी, कभी मृत्यु लोक में डालेगी, कबू स्वर्गे कबू मृत्यु नरके वा कबू कबू राजा कबू प्रजा कबू दास प्रभु, ये बनाती चली जाएगी बनाती चली जाएगी। लेकिन हम इन 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए। लेकिन वो भी कृष्ण जब देखते हैं कि अरे भैया बड़ी दुर्गति हो गई जी, बड़ी दुर्गति, तुझको भूला जग दुखियारा, बोला आपको भूल करके इतना जगत में दुखी तू दुखी तू के भगवान को भूल करके, तो वो ही कृष्ण सबको याद दिलाने के लिए कि हे भैया चलो वापस अपने घर चलो। जैसे जो व्यक्ति जिस किसी को जेल हो जाती है, जब वो जेल में होता है तो वो भूल जाता है कि मैं जेल में हूँ, 15-20 साल जेल में रहता है ना, वो भूल ही जाता है कि मेरा घर भी है, उसमें मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, बड़ा मुझे प्रेम करते, भूल जाता है। उसी प्रकार हम भी भूल गए कि भगवान का एक धाम है जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तब ना भाषा सूर्य शशांक न पावक जब गत्वा ना निवर्तन दे तब धाम परम। इसीलिए कृष्ण इसी बात को याद दिलाने के लिए संभवामी युगे युगे, भगवान कृष्ण स्वयं आकर के ये सारे की सारी बातों को जगत में बताते हैं, बोला भैया तेरे धाम वापस चलो। और जब कृष्ण चले जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण की जो कृपा है उसके मूर्तिमान स्वरूप गुरुदेव आकर के हम सबको बीच में बताते हैं, बोला भैया आप कृष्ण को याद करो, कृष्ण की भक्ति करो, उससे क्या होगा भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे। इसलिए आज बड़ा ही हमारे जीवन में ये जो अवसर प्राप्त हुआ हूं तो कि कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण के विषय में कृष्ण तत्व के बारे में हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं, और सुन सुन करके हम लोग वापस दोबारा जो चीज हम भूल गए उसको याद करने का प्रयास कर रहे, समझो भगवान कृष्ण की हमारे ऊपर में सीधी सीधी कृपा है। इसलिए हम लोग सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपकी शुद्ध तिथि में हम पर कृपा करो कि हम कब जैसा गुरु जी चाहते हैं वैसा ठीक ठीक रूप में आपका भजन कर पाए, जिससे कि हमारा उद्धार हो पाए और गुरु जी की कृपा हमें अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुणमिलितं येनः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्दः श्री अद्वैतगदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्दः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम में अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद हस्तो उदासर भक्ति वेदांत शील तीर्थ गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंतपुरी दंड पर प्रणाम कर उनके कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुदेव ओम विष्णु पाद हस्तो उदासर भक्ति वेदांत शील श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में मेरा अनंतपुरी दंड पर प्रणाम कर उनके कृपा की प्रार्थना। समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंतपुरी दंड पर प्रणाम कर उनके कृपा की प्रार्थना। तदुपरांत समस्त वैष्णव वैष्णव कथा विपास सूर मंडली सभी वितरणों मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज हम वैष्णवों का बहुत बड़ा दिन है, आज हम वैष्णवों का क्या है बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज क्या है, आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतिनि भक्त वंशा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का क्या है जन्मतिथि महोत्सव है आज हम लोगों के लिए। तो भगवान कैसे शरणागत भक्तों का रक्षा करते हैं, कैसे वो भक्त वत्सल है, भगवान का स्वरूप क्या है,
अभी अरुण अरुण प्रभु ने बहुत अच्छा बहुत सुंदर बात बतलाई आप लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में, उसमें इसी में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भगवान शरणागतों का किस प्रकार से रक्षा करते हैं। एक भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्यों आते हैं और किन किन कारणों से आते हैं, आके करते क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। महाभारत में पहले हम चलते हैं। महाभारत के समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जय हुए महाभारत के युद्ध को। उसके बाद रासु यज्ञ हुआ, रासु यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज जी चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विराजमान हुए। ठाकुर जी ने सारा धर्म का स्थापना करके अब वो द्वारकापुरी को जाने के लिए तैयार हुए। उसी वक्त उनके उनको ले जाने के लिए स्वर्णम रथ आया। ठाकुर जी ने एक हाथ को रथ को पकड़ रखा है, एक पैर रथ के ऊपर रखा हुआ है, एक पैर भूमि पे है और एक हाथ से सबको आशीष दे रहे हैं, ऐसे अभय मुद्रा में है। और उस वक्त उनके जितने भी भक्त है, जितने भी पांडव गण है, सब सामने है, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी जा रहे हैं, कोई जाने देना नहीं चाह रहा, क्योंकि भगवान को बड़ी प्रेम करते, बड़ी प्रीति करते हैं, फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो ठाकुर जी अभय मुद्रा में है और जाना ही जाने, मतलब रथ में विराजमान होने ही जा रहे हैं। उसी वक्त एक शोर आती है, चित्कार होती है, उस चित्कार ठाकुर जी के प्रति धावित होती है, आ रही होती है। ठाकुर जी विचार करते कि ऐसा कौन चिल्लाते हुए हमें तरफ आ रहा है। तब ठाकुर जी देखते क्या है, अरे ये तो पांडवों के पुत्र वधू श्री उत्तरा जी ठाकुर जी के प्रति आ रहा है। ठाकुर जी पूछते, बेटी तुम्हें क्या हो गया, क्यों इस प्रकार से तुम चिल्ला रही हो। तब उत्तरा जी कहते हैं, पाही पाही महायोगे देव देव जगतपते न अन्य तद भयाम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, पाही पाही मतलब रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे देवों के देव, हे योगियों के महायोगी, मेरी रक्षा करो। आज ये जो बाण, ये जो ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने चला, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने चलाया है और उसके कारण मैं तप रही हूँ, मेरे गर्भ के प्रति जो ये मृत्यु की ओर आ रहा है, इससे मुझे रक्षा करें, क्योंकि आज मैं अपने रक्षक आपके सिवा और कोई नहीं देख पा रही। क्या कह रही है, न अन्य तुद भयाम पश्य, आपके सिवा किसी और को मैं देख ही नहीं पा रही। क्यों, वहां और कोई नहीं थे क्या, वहां पांडव सारे हैं, महाबली भीम गदाधर भीम है, वहां पे गांडीवधारी अर्जुन है, सभी है वहां पे, परंतु उत्तरा देवी ने किसी के ओर मुंह तक नहीं देखा, सीधा किनके पास आ गए, ठाकुर जी के शरण में आ गया। इसको कहते अनन्य चिंता, अनन्य भाव से, न अन्य तद भयम, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, केवल आप ही रक्षा कर सकते हो। तो ये भावना जो है, इसको कहते अनन्य चिंतन। तो ऐसे भक्तों का क्या करते ठाकुर जी, योगक्षेम्यम वहाम्यम, ऐसे ही भक्तों का ही क्या करते, योगक्षेम को वहन करते हैं। रामायण में भी अनन्य चिंतन तो कि किस प्रकार से अनन्य भाव से भगवान का पूजन करते हैं, भावना रखते हैं, उस पर बदला है क्या, और वो बदलाने वाला साक्षात कौन है, हमारे अखंड गुरु तत्व लक्ष्मण जी है। जब राम जी को वनवास के लिए आदेश हुआ, पिताजी ने कहा कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास चाहिए, राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, देखो भैया लक्ष्मण, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। अब और भरत और शत्रुघ्न जी मामा के पास गए हुए, यहाँ पे कोई नहीं तो संभाले, तो आप यही रहो, माता पिता और राज्य को आप संभालो। लक्ष्मण जी क्या किए, लक्ष्मण जी उसको शरण में लेट गए ठाकुर जी के, और क्या कहने लगे, गुरु पितु मातु न जानहु काहु, कहहु सुभाउ नाथ पति आहु, गुरु पितु मात न जानहु काहु, मैं गुरु को नहीं जानता, मैं पिता को नहीं जानता, मैं माता को नहीं जानता। राम जी कहते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है लक्ष्मण, गुरु मात देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, और तुम कहते तुम किसी को नहीं जानते, फिर मानते किसे हो, जानते किसे हो। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं,
मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतरयामी, क्या कह रहे हैं, मोरे सब ही एक तुम, केवल आप ही है, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, किसी को नहीं जानता। फिर कहते आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, मातो रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने न अन्यम जाने। इस प्रकार के शरणागति अगर है हमारे पास तो निश्चय ही ठाकुर हमारा रक्षा करें। इसको कहते अनन्य चिंता ही, तो हम कहते ना हम इतना ठाकुर जी का भजन करते कीर्तन करते, हमारे पे दुख आ रही है कष्ट आ रही है, हमारा हरते क्यों नहीं है, क्योंकि अनन्य चिंता ही तो होते ही नहीं है, हमने तो कितनों को मान रखा है, पति को पुत्र को घर को समान को, ये मेरा रक्षा कर लेगा, ये रक्षा कर लेगा, ये सबको ही अपना मान रखा, और ठाकुर जी को भी एक जगह ले रखी। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं अखंड गुरु तत्व बतलाते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता, केवल आप और कोई नहीं। ये है भक्तों की भावना ठाकुर जी के प्रति कैसे होती है, ये बतलाने के लिए कहा गया। जब उत्तरा देवी ने यह कहा कि न अन्य तद भयात पश्चात, उसी वक्त ठाकुर जी प्रसन्न हुए और अंगूठे का रूप धर के गर्भ में जाके परीक्षित को वहां पे ब्रह्मास्त्र से बचाए, अपने तेज से वो ब्रह्मास्त्र का तेज को निस्तेज कर दिया, और जब बाहर आए गर्भ से और कहते हैं देवी अब तो कोई कष्ट नहीं आपको। उत्तरा देवी क्या कह पाती है, आंखों से अश्रु धारा निकल गई, बार बार पैरों में नमन कर रही है, उसी वक्त सब सभासद स्तब्ध है, पांडव जितने भी थे कोई बोल ही नहीं पा रहा कुछ, ठाकुर जी इतनी बड़ी महिमा की है लेकिन कोई गायन नहीं कर पा रहा, ठाकुर जी रथ के ऊपर चढ़ने ही जा रहे थे उसको कुंती महाराज ने, कुंती देवी कहती है कि ठाकुर ने आज प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया है, आज अगर ये ब्रह्मास्त्र अगर किसी प्रकार से इस गर्भगत शिशु का अहित कर देता तो आज कौरव वंश कुरु वंश यही समाप्त हो जाता है, और इतना बड़ा कार्य करके ठाकुर जी जा रहे हैं, उनका कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, उनका अभिनंदन नहीं कर रहा, अभिवादन नहीं कर रहा, मानते हैं आकाश का छोर कोई नहीं जान पाता, फिर भी पक्षी तो अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य उड़ता ही है, मानते हैं कि भगवान का गुणगणों का गायन कोई नहीं कर सकता, फिर भी साधु अपने सामर्थ्य गुणगान तो अनंत काल से करते ही है। तो कुंती देवी वहां पे प्रभु श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करते हुए उस मुद्रा में खड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी ये क्या आप कर रहे हैं उल्टा, अरे मैं आपका भतीजा, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। कुंती देवी कहते मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूँ, फिर किसे कर रहे हो। ध्यान से सुने, यहाँ पर कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि भगवान जी कौन है। कुंती देवी प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को कहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाते ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षय सर्वभूतानां अंतरः बहिरवस्थित माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक सदा अव्ययम् न लक्षय मूर्दृश न तो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला दो श्लोक किनके लिए है, पहला दो श्लोक का व्याख्या करेंगे, ये पहला दो श्लोक किनके लिए है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इनके लिए। कौन सा श्लोक, पहला दो, पहला श्लोक क्या था, नमस्ते कुंती देवी कहते मैं प्रणाम करता हूं किसे, पुरुषम, यहां किसको प्रणाम कर रहे हैं, पुरुषम, पुरुषम मतलब क्या, कौन होता है, जो भोक्ता होते हैं, परम पुरुष होते हैं, देखने में तो हम भी पुरुष है, आप लोग स्त्री हो, तो केवल ठाकुर जी को पुरुष के संबोधित क्यों कहा गया, क्योंकि वास्तव में क्या है, ये हम पुरुष है तो सही लेकिन ये देह पुरुष का है, वास्तव में यह जो देह है इसके अंदर देही है, वो है कौन, आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है, स्त्रीलिंग है,
हम सब क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि हम सब कौन है, सेवक है, और इनको ग्रहण करने वाला एकमात्र पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इसी में थोड़ा सा आता है कि जब मीरा दास जी ब्रज में जाती है वृंदावन में, उस वक्त जीव गोस्वामी पास से मिलने का आग्रह करती है। जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करता, तो मीरा जी कहती है कि अच्छा, आज मैंने पहली बार सुना है कि ब्रज में दूसरा पुरुष भी आगे आ गया। तो मीरा जी का जब ये भावना सुने जीव गोस्वामी पास ने, तब कहा था अच्छा ठीक है, उनको लेके आ। पुरुष केवल एक ही है, बाकी सब केवल शरीर में पुरुष है, अंदर में सभी आत्मा है और सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसीलिए भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्णा। नमस्ते पुरुषम तम तो आदि ईश्वरम, अभी अनुरुद्ध प्रभु जी बता रहे थे ना, सभी ईश्वर के ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्णा। तो आद्य ईश्वर, आद्य मतलब क्या होता है, आदि ईश्वर। आप कौन है, आदि ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर है। तो आदि ईश्वर प्रकृति परम, प्रकृति परम का मतलब आप प्रकृति से परे है, ये आदि का प्रकृति है। प्रकृति का मतलब इंग्लिश में कहते हैं नेचर, कहते हैं ना हम कि इसका नेचर अच्छा नहीं है, इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर वैसा है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ये तो प्रकृति है जिसमें हम रह रहे, ये किनका प्रकृति है, यदि किसी ने किसी का होगा, ये किनका है, भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति है। तो इसीलिए उनको कहा गया आप प्रकृति से परम हो, यद्यपि आप यही आपका ही प्रकृति है, आप आते हो इसमें चले जाकर आपको यह प्रकृति स्पर्श नहीं कर पाती, आप एकदम अलग रहते हो इसमें से। फिर कहते हैं अलग से या सर्वभूतानां, यद्यपि आप सब जगह हो। वेदों में कहा गया है ना, वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव खल्विदं ब्रह्म, वासुदेव सर्वमय जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। स्पष्ट रूप से कहा गया ठाकुर जी हर जगह है, घट घट वासी है, कण कण में है, ठाकुर जी हर जगह है, परंतु अलग से यह सर्वभूताना, कोई यह भूत, भूताना मतलब हम प्राणियों के बारे में कह रहे हैं कि अलग से ये देख ही नहीं पाते, जो सब जगह है उनको देख नहीं पा रहे, और जो है ही नहीं उनको हम अपना मान रखते हैं। अलग से सर्वभूताना वही कहा है, अंतर बाहिर अवस्थिता, भगवान कहां का है, अंतर भी है और बाहर में भी है। और ये कैसे, ये हम भूता नाम कैसे नहीं पहचान पाते ठाकुर जी को, अगला श्लोक में बताया गया, माया जवनिका सन्नम, माया के पर्दे के कारण हम नहीं समान ठाकुर जी को पहचान पा रहे। माया मतलब क्या होता है, मां मतलब नहीं, या मतलब जो, जो नहीं है उसे हां मान लिया, जो है उसे छिपा दिया। ठाकुर जी कण कण में है, घट घट में है, उसे छिपा दिया, हर जगह है। और जो नहीं है, जैसे कि हम सब क्या है, क्षणभंगुर है, आज है, कितने साल के रहेंगे, उसी साल के बाद हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो नहीं है उसे हाँ बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर भगवान कहाँ है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, लेकिन कैसे निकलते हैं, जैसे घी दूध के कण कण में है, तो घी दिखती है दूध में, नहीं दिखती, लेकिन निकालने का तरीका तो है। उसी प्रकार से ठाकुर जी हर जगह है, प्रकट हो सकते हैं, कैसे, प्रेम से प्रकट भयो में जाना। प्रेम वो तरीका है जिसे ठाकुर जी को इस घटघट से निकाला जा सकता है। और एक हमने नहीं, ये जो मैंने कहा ये केवल ऐसा ही नहीं, ये पूर्ण तरीका है, एक नहीं असंख्य भक्तों ने क्या किया है, इस तरीका को अपना के ठाकुर जी को स्पष्ट प्रकट रूप में दर्शन किया है। यद्यपि अभी सूरदास जी का व्याख्यान चल रहा, सूरदास जी अंधे थे, दिखाई देता था, लेकिन फिर भी क्या नहीं देखा उन्होंने, जो देखना था उन्होंने देखा, और हम जो देखना था ये था वो नहीं देख पाते, बाकी सब जो देखते हैं। तो माया जवनिका सन्नम, आपको माया जवनिका सन्नम अज्ञा अधोक सज अव्ययम, अज्ञा मतलब अज्ञानी सब माया के अंधकार में छिप जाते हैं और ठाकुर जी को देख नहीं पाते। ठाकुर जी कौन है, हम बताते हैं कौन है, अधोक सजा अव्ययम, अधोक सजा मतलब जिसको इस इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता उसको कहते हैं अधोक सजा। जैसे कि हम यहां पे बैठे हुए नोएडा में, अब यहां से हमें जाना पड़ा दिल्ली, यहां से कितना दूर है दिल्ली, कुछ ही किलोमीटर,
आप समझिए अधोक्षेत्र का मतलब क्या होता है, कुछ ही किलोमीटर। लेकिन यहां से अगर हमें अमेरिका जाना पड़ा तो कुछ हजार किलोमीटर, यहां से हमें चंद्रमा जाना पड़ा तो कुछ लाख किलोमीटर, यहां से सूर्य जाना पड़ा तो कुछ करोड़ किलोमीटर, और एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल जाना पड़ा तो कितना किलोमीटर, हमारा गिनती समाप्त होना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा किलोमीटर खत्म, फिर क्या कहता है लाइट ईयर, लाइट ईयर आ जाता है वहां पे। फिर उसके बाद एक सौरमंडल नहीं है इस ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत सौरमंडल मिलके एक आकाशगंगा होता है। उस आकाशगंगा का आखिरी छोर में जाना हो तो कितना किलोमीटर, कितना लाइट ईयर, कहते हैं कि हमारा गिनती। अब हम सोच ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हमारा जो इंद्रिय है अब यह कैलकुलेशन करना बंद हो जाता है। अब एक आकाशगंगा नहीं है, अनेकों आकाशगंगा है इस ब्रह्मांड में, ये सब मिलके एक ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये सब का सब जानते क्या है, सृष्टि का केवल एक चौथाई है, तीन चौथाई चित्त जगत है। अब समझिए कितना बड़ा ये सृष्टि है, और इन सृष्टि को बनाने वाले कौन है, कौन बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है। और इतना बनाने के बावजूद भी वो घटते नहीं है, और ये सब कुछ वही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्थूल रूपे न दर्शिना, ये सब ठाकुर जी का स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर है, स्थूल रूप में सारा प्रकृति है, ये सब ठाकुर जी है। तो कैसे समझेंगे उनको, कैसे समझेंगे, जब तक उनका कृपा नहीं हो जाता तब तक हम उनको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं अधोक्षजम अव्ययम, जो प्रकृति के अंदर नहीं आ सकते, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। अलग न लक्ष्य मूल दिशा न तो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार से एक नाटक, जब नाटक होती है रंगमंच में, एक अपना रूप धर करके आता है वहां पे और लीला आदि करता है, उस पर कोई जो बेवकूफ सा हो उसी को रूप मान लेता है, उसके पीछे का रूप को देख ही नहीं पाता। उसी प्रकार से ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं, लीला आदि किए हैं साधारण की तरह, तो जो हम अज्ञ है वो क्या मान लेते हैं उनको, उसी जैसे नाटक में जो रूप धर के आते हैं वैसे हम मान लेते हैं। और कहते हैं ये तो यही है, जो मायावादी लोग है ना, ठाकुर जी मानते हैं, अरे ये तो छलिया है, तोड़ने साड़ने पता है क्या क्या बोलते हैं, जब तक गंगोत्री जानेंगे तब तक कैसे पता कर पाएंगे वो। इसीलिए ठाकुर जी को जानना हो तो केवल उनका कृपा, कृपा कैसे मिलेगी उनका, संत और नाम से। इसलिए ठाकुर जी का कृपा पाना हो तो संतों के साथ जाए, संतों सिखाएंगे क्या कि हमें कैसे भजन करना है, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे जब कृपा होगी तब क्या आएगा, संत का दर्शन होगा, संत कह देगा कि नाम करना है, पूजा करना है, क्या क्या करना है। तो ठाकुर जी को अगर पाना है तो संतों के साथ बैठना होगा, संतों के साथ रहना होगा, वो कैसे कहते हैं वैसा करना होगा, और नाम करते करते ठाकुर जी का स्मृति एक न एक दिन हो ही जाएगी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम जी। फिर हम लोग सब घर निकल गया, फिर शाम को तैयारी वगैरह के, कल फिर शाम को तैयारी वगैरह फिर आना, फिर शाम को ही पैसा करना, ठीक है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शाम को तुम लोग बोलना, ठीक।